Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the seventh part of 20 words of Barron's 800 words with easy to remember images. So, agar aapko baki sare videos refer karna hai, so kindly visit to the channel and refer those videos as well. So, moving ahead. So, 121st word is caucus, which means a smaller group within an organization. So, आप इस इमेज के साथ इसको रिफर कर सकते हो बिकॉज देर आर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप सिटिंग टूगेदर. सो अगर आपको ये वर्ड से ही इसका मीनिंग याद रखना है सो आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. कंसिडरिंग द प्रोनाउंसिएशन तो इसका प्रोनाउंसिएशन इज कॉकस. सो आपको CAUKUS अपने माइंड में लेके चलना है. Then CA is for Canada, UK will be for United Kingdom and US for United States. So this is a small group. So उस पे आप याद रख सकते हो कि it is a smaller group within an organization. So in this way you can remember this. Moving ahead, the next word that we have is causal, which means involving a cause. So जैसा कि word itself is suggesting कि यहाँ पे कुछ cause के related चल रहा है because causal में cause की spelling आप आराम से देख सकते हो. So both are relevant. So it is very easy word to remember. Moving to the next word. Next is caustic, which means burning, stinging, causing corrosion. So आप ये पेट में जो जलन होती है आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो. एक वर्ड होता है हिंदी में दैट इज पॉस्टिक, जो काफी सिमिलर साउंड करता है टू द वर्ड कॉस्टिक. सो पॉस्टिक इज अ पॉजिटिव फूड एंड कॉस्टिक इज अ नेगेटिव फूड. जो आप खाओगे तो इट विल कॉज करोजन इन योर स्टमक. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड वेरी इजिली. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word that we have is celestial, that means concerned with sky or heavens. So ये आपने अपने books में काफी बार पढ़ा होगा. So I don't think it is very difficult word to remember. So moving towards the next word. The next is centrifugal, which means moving away from the center. And as you can see in the picture, कि ये center point है and everything is moving away from this. So this is known as centrifugal. अब अगर इसको आप वर्ड से याद रखना चाह रहे हो तो सेंट्री को आप एज अ सेंटर कंसिडर कर सकते हो एंड फ्यूगल को आप अगर ये एल को साइड में हटा दो. सो फ्यूगल को अगर आप पढ़ना चाहो तो फुगा भी पढ़ सकते हो. सो फुगा इन इंग्लिश इज नोन एज बलून. सो जब आप बलून में एयर पास करते हो सो वो अपने सेंटर से दूर जाना शुरू करता है. उसमें एयर कंटेन होता है और जो रबर होता है वो सेंटर से दूर जाना शुरू करता है. सो विद दैट यू कैन रिमेम्बर कि सेंट्रीफ्यूगल मींस कुछ तो सेंटर से दूर जा रहा है. इन दैट वे यू कैन रिमेम्बर इट वेरी इजीली. इसके सिमिलर ही एक वर्ड है जो कि है सेंट्रीपेटल. अब अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल याद है सो सेंट्रीपेटल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. सो मूविंग और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, वो यहां से अंदर की तरफ आएगा टूवर्ड्स द सेंटर. सो जस्ट रिमेम्बर सेंट्रीफ्यूगल एंड इसके बेस पे जस्ट कनेक्ट विथ सेंट्रीपेटल ताकि आपको दोनों वर्ड इजिली याद हो जाए. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज चैंपियन. सो इट इज ऑल्सो अ वाइडली यूज वर्ड. सो आई डोंट थिंक यू नीड एनी स्पेशल असिस्टेंस फ्रॉम माई साइड. सो विच मीन्स टू डिफेंड और सपोर्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज चास्टिन, विच मीन्स टू करेक्ट बाई पनिशमेंट और रीप्रूफ. सो अगर आप इसको पढ़ोगे सो इसमें आपको साउंड आएगा चांटे का एंड बिलो इज द इमेज जिससे आप ये चांटे को इजिली याद रख सकते हो. सो चांटा इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट इन इंडियन कल्चर स्पेशली फॉर पेरेंट्स. सो आप उसके एंगल से आप इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज चिकानरी, विच मीन्स अ ट्रिकरी और फ्रॉड. So with the help of this new series of Shahid Kapoor, you can remember this word. And also, अगर आप इसको थोड़ा सा वर्ड प्ले करना चाहो तो ये शिक्का को आप चीचा पढ़ सकते हो. And चीचा means चाचा, ऐसा करके कुछ consider करके. चाचा is नारी. So चाचा is not a नारी, चाचा is a man. If चाचा is नारी, so it is a fraudulent statement. सो उस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू प्ले विथ वर्ड. अदरवाइज दिस फर्जी इज गुड इनफ टू मेक यू रिमेम्बर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज शिवैलरी, विच मीन्स द क्वालिटी इज आइडलाइज्ड बाई
नाइटहुड सच एज अ ब्रेवरी और गैलेंट्री टूवर्ड्स वुमेन। सो शिवेलरी को आप अगर हिंदी में पढ़ोगे तो ये शिवा पढ़ सकते हो आप इसको, इसको एज ए ज्वेलरी पढ़ सकते हो। सो शिवा मीन्स कुछ तो ब्रेवरी और नाइटहुड काइंड ऑफ साउंड करता है। ज्वेलरी से आप विमेन रिलेट कर सकते हो, सो शिवेलरी से आप नाइटहुड ब्रेवरी विथ विमेन ऐसा करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज चर्लिश विच मीन्स रूड और बोरिश। सो अगर आप इसको इमेज से याद करना चाहते हो सो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर दिस इमेज, बट अगर इसको वर्ड प्ले करना है सो एक वर्ड है यहाँ पे चूर, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो चूर। सो आप क्या चूर करना चाहते हो, सो आप लोगों का घमंड चूर करना चाहते हो, सो काइंड ऑफ वो जोन में चला जाएगा कि आप इसको रूड के साथ रिलेट कर पाओगे। सो अगर आप इसको चूरलिश पढ़ो तो यू कैन रिलेट इट विथ रूड और बोरिश। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज सर्किटस विच मीन्स राउंड, नेक्स्ट इज सर्किटस विच मीन्स राउंड अबाउट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज यू कैन इजिली रिमेम्बर दिस वर्ड। और ऑल्सो इफ यू कंसिडर दिस वर्ड, सो यहाँ पे आप सर्किट साउंड आता है, एंड सर्किट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो काफी घुमावदार रहता है, सो विद दैट ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर कि कुछ सर्किट जैसा ही है, विद दैट ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर कि कुछ सर्किट जैसा ही घुमावदार है, एंड यू कैन रिमेम्बर दिस वर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज क्लेयरवॉयंट एंड विच मीन्स दैट वन हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो राधेश्याम मूवी में प्रभास का जो रोल था वॉज द रोल ऑफ अ क्लेयरवॉयंट, एंड विद दैट इमेज यू कैन रिमेम्बर इट वेरी इजिली। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज क्लैमर विच मीन्स अ नॉइजी आउटक्राई, और विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज यू कैन इजिली रिलेट कि कोई बच्चा अगर रो रहा है सो वो क्लैमर है। बट अगर आपको इस वर्ड से थोड़ा प्ले करके इसको याद रखना है, सो एक वर्ड होता है ग्लैमर विच इज वेरी हैप्पी काइंड ऑफ सिचुएशन बिकॉज एवरीथिंग लुक्स वेरी डिसेंट, बट यहाँ पे क्लैमर है विच इज कम्प्लीटली नेगेटिव ऑफ दैट। तो आप उस हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो कि क्लैमर है तो कुछ तो नेगेटिव चल रहा है, विद दैट यू कैन कनेक्ट विद द नॉइजी आउटक्राई। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज क्लिक, सो विच मीन्स अ स्मॉल और एक्सक्लूसिव ग्रुप। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कंसिडरिंग द टाटा ग्रुप, सो उसमें काफी सारी कंपनियां हैं एंड टाटा क्लिक इज वन ऑफ देम, सो अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रनिंग टाटा क्लिक, बट कंसिडरिंग टाटा इज अ बिग जायंट और उसके अंदर काफी सारे कंपनीज आते हैं, सो टाटा क्लिक के साथ आप ये क्लिक वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। Moving to the next word, next is cloister which means to confine or seclude, and if you want to remember this word so this image is good enough to make you remember, but agar word play karna hai so aap isko lost kind of pad sakte ho, just make this c silent, ye loster hai, so if you are losting yourself then you are secluding yourself from the people, सो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जस्ट यू नीड टू बी कॉशियस कि आपको ये सी साइलेंट करना पड़ेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्युलेट विच मीन्स थिकन और कंजील। सो यू कैन रिमेम्बर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज, जहां पे ये कुछ दूध जैसा चीज है एंड वो बहुत गाढ़ा है, सो आप उससे याद रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको कोलगेट से कनेक्ट कर सकते हो दैट यू वुड बी यूजिंग ऑन द डेली बेसिस। सो कोलगेट काफी थिक होता है, इट इज नॉट एज अ नॉर्मल लिक्विड, सो वो थोड़ा थिक, वो थोड़ा कंजील होता है, सो विद दैट यू कैन रिमेम्बर कि कोगुलेट मीन्स समथिंग विच इज वेरी थिक और कंजील। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज कॉलेज विच मीन्स टू कॉज टू बिकम वन, एंड विद दिस इमेज यू कैन रिमेम्बर इट इजिली, बट अगर इसको वर्ड से याद रखना है तो कोल याद कर लो, सो अगर आप एक कोल को दूसरे कोल के पास रख रहे हो तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे दिखेंगे, दे विल ट्राई टू बिकम वन, सो आप उस तरीके से थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट रियली वेल। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज कोडा विच मीन्स कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटररी और म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और समथिंग दैट समराइजेस और कंक्लूड्स। सो आप कोडा को कोडिंग से रिलेट कर सकते हो, एंड विद दैट यू कैन रिमेम्बर कि आप कोडिंग करने के बाद उसकी एक समरी तैयार करते हो सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आपका फ्लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा। सो वो समरी
को आप कोडा के साथ रिलेट कर सकते हो. एंड फॉर म्यूजिकल यू नीड टू रिमेम्बर दिस इमेज जिसके साथ आप कोडा को रिलेट करके इसको याद रख सको. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कोडिफाई विच मीन्स टू सिस्टमाइज. एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस इमेज केयरफुली यू कैन अंडरस्टैंड कि काफी स्ट्रक्चर में काफी सिस्टमाइज मैनर में चीजें लिखी हुई है. कोडिंग मेक थिंग्स वेरी सिस्टमाइज, सो इन दैट मैनर यू कैन रिलेट एंड लर्न. मूविंग अहेड, सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर 7th पार्ट. और बाकी के वीडियोज अगर आपको रिफर करने हैं सो काइंडली विजिट टू अवर चैनल. एंड इफ यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. एंड टिल देन कीप लर्निंग.